बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनटीएस टेस्ट पांचों की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, सीटी मॉडल पेपर्स का सिलसिला हमने शुरू किया था, पेपर नंबर 5 को शुरू किया था और आज इस पेपर का आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 5, और इसके साथ पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके फौरन बाद पूरे पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा और उसके बाद देखते हैं कोई न्यू सीरीज शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करके 100। क्वेश्चन नंबर 81, वो पेल जिसका पायल मालूम न हो, जिस तरह आम खाया गया। अब ये नहीं मालूम कि आम किसने खाने, पानी पिया गया, चाय पिया गया, किताब लिखी गई वगैरह वगैरह, इस तरह के जो पेल होते हैं जिसका फाइल मालूम न हो तो उनको पहले मजहूल कहते हैं, पहले मजहूल, और जिसका फाइल मालूम हो तो उसको पहले मारूफ कहते हैं। जिस तरह अली ने आम खाया, आम किसने खाया, अली ने खाया, तो उसका फाइल मालूम है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और दोस्तों, इरादा है कि उर्दू का कंप्लीट ग्रामर अपलोड करूं अगर टाइम ने साथ दिया। क्वेश्चन नंबर 82 देखे, लफ्ज ताजा का मुतजाद, एक होता है मुतजाद और एक होते हैं मुतरादिफ। मुतजाद एंटोनिम को कहते हैं, मुतरादिफ सिनोनिम को कहते हैं, इसमें धोखा न कहा जाना। तो यहां पर एंटोनिम की जरूरत है ताजा, और इसका एंटोनिम है बासी। क्वेश्चन नंबर 83 देखे, 83, दरख पर बेटा कौवा काय काय कर रहा था, इसमी सूत आवाज, ठीक है। तो इसमें इसमी सूत इस जुमले में कौन सी है, दैट इज काय काय, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन देखे, द एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर देन टू नंबर विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम नंबर्स को कहते हैं, उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसमें, तो उसका एचसीएफ हमेशा हमेशा एक होगा, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 9.5191 राउंडेड अप अप टू 1 डेसिमल, एक तक करे तो ये तीन इसमें से हटा लो, बट ठीक है, 9.5 आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 16, 24 एंड 48। तो इसमें 8, 8 दूनी 16, 3 8 24 और 6 8 48, 8 आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी दिस, R is this, then R is one-on-one function, onto, यहां पर onto function इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब ये कि onto function, into function ये तमाम क्या है, इसको एक वीडियो में मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूं दोस्तों, अब अगर बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगी। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन देखे, एट मोर देन अ नंबर इज 12, एट मोर, तो इसका मतलब है कि एट एक परस का नंबर है, तो इसका एट इसके साथ और लगा लो 8, इस तरह इज इक्वल टू कहते हैं 12 के बराबर है, ये देखना है, तो ऑप्शन बी देखे दे सर, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 89, फाइंड द सम ऑफ +8 और -7, +8 -7, तो 8 प्लस ज्यादा है तो ये +1 आएगा, ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1.5 प्लस दरमियाना ब्रेकेट 0.7 प्लस दिस, तो इसका सबसे पहले इसको सॉल्व करना है आपने, इसको माइनस करना है,
तो ये पांच चार से माइनस थे तो एक आएगा चौदह में से, ना पांच चला गया तो नाइन आएगा, तो इसका आंसर आएगा यहां पर 0.9, ये हो जाएगा 0.9। अब 0.9 आपने जमा करना है 0.7 के साथ, इसके साथ जमा करना है, तो ये आएगा 1.6 आ जाएगा 1.6। अब 1.6 को आपने जमा कराना है 1.5 से, तो ये आ जाएगा 11, एक हासिल, दो और एक तीन, 3.1 आ जाएगा इसका आंसर, 3.1। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 90 देखें, 90 नंबर क्वेश्चन को, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको पेरेंथेसिस कहते हैं, राउंड ब्रेक कट, कर्व ब्रेक कट का, इसको ऑल ऑफ दिस ऑप्शन ई इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 92, द इक्विवेलेंट फॉर्म, ये प्रॉम नहीं फॉर्म है, एफ ओ आर एम फॉर्म ऑफ द रेशियो 3:4, तो ये देखिए ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया दूसरे, तो ये है, दोनों को दो से जरब दो जाते हैं, दोनों 6, 4, 2, 8, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 93, पारा नंबर 26 किस अल्पाद से शुरू होता है, पारा नंबर 6 जो है दैट इज हा मीम से, ऑप्शन 26 सॉरी ऑप्शन सी। कन्वे नंबर क्वेश्चन, द्रुस महावीरा का इंतखाब करें, द्रुस महावीरा इसमें देखे, तुमने जैसे जल्दी जलती पर पानी डाल दिया, पानी गलत है, तुमने जैसे जलती पर तेल डाल दिया, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। हर कोई अपना बालू सीधा, बालू ने उल्लू है ये, यहां तो उल्टी जमना, ये गंगा है, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, रहीम सेड गुड बाय टू एवरीवन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, बस एक ही, और ये सिंपल है, तो इसमें देखिए कंपाउंड कंपाउंड नहीं, तो इसमें नन ऑफ दीज है, सिंपल कलम नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 97, नो द सीक्रेट वॉज नोन बाय मैनी, मैनी जो है क्या है, जैसे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 98, द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटी इज रिटन बाय, दिस इज रिटन बाय वॉल्टर, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 99, द मैक्सिमम रेन इन वन डे इन पाकिस्तान में, जो होता ऑप्शन डी 620 mm, ये भी याद रखे, जो रेन को नापा जाता है मिलीमीटर में, ये क्वेश्चन एक दफा आया था। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। पेपर दोस्तों कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद कोई और सीरीज शुरू करेंगे। लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।